हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, ऑनलाइन असिस्टेंट यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और हमेशा हम नई वीडियोस को लाते रहते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे होती हैं। आप चाहे तो वीडियो प्लेलिस्ट में आके आप प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहां से वीडियोस को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन आपको यहां देखने को मिलता है। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं, सिंपली आप यहां पे टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमें कई बार हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है जिसमें भारी भरकम खर्च आता है और बहुत सारी जो पेमेंट्स है, जो मेडिसिन के बिल्स है और उसके अलावा बहुत सारे जो हॉस्पिटल के खर्च है वो हमें पे करने पड़ते हैं और हॉस्पिटल के बिल के चलते हमें भारी भरकम फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम की मदद से कैसे आप हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्लान होता है जिसमें आपको 1000 या फिर 2000, जिस तरीके का आप प्लान चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे के हिसाब से लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पेटीएम के यूज़र हैं तो सिंपली आप अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर ले। अगर आपने पेटीएम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, पेटीएम ऐप का जो इंटरफेस है उसे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है इंश्योरेंस का। इस पे आने के बाद आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेलर मेड प्रोडक्ट्स पावर्ड बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। यहाँ पे आने के बाद आपको सी ऑल पे क्लिक करना है। जब आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आप टैप करें। इस पे जब आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। जो प्लान है वो है हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस। इसमें आपको फिक्स रीइंबर्समेंट मिलता है नंबर ऑफ डेज के लिए। जिस भी डेज के लिए, यानी कि मैक्सिमम 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, अधिकतम जो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 15 दिनों तक 1000 रुपये, 1500, 2000, हार्डली आपको लास्ट 5000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे, अगर 1000 रुपये प्रति दिन का आप प्लान चूज करेंगे तो एक साल के लिए इसका जो प्रीमियम होता है वो होता है 255 रुपये प्लस GST। प्लान डिटेल्स नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल इश्योरेंस है। इसका जो पॉलिसी है वो कम्प्लीटली डिजिटली इशू हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इसमें कवर है। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अप टू 30 डेज, यानी कि अगर आप 30 दिन लगातार हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो आपको प्रतिदिन 1000 रुपये का आपको यहाँ पे एक मदद मिल सकता है। अगर 30 दिनों से ज़्यादा आप यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन रहते हैं तो आपको अधिकतम 30 दिन का ही लाभ मिलेगा और अगर आप 1 से लेकर 30 दिन के भीतर 2 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी रहते हैं, आपको प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये का यहाँ पे क्लेम मिलता है। टर्म्स एंड कंडीशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो टर्म्स है वो सिंपल सी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलिसी जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है जो पेटीएम के यूज़र हैं। प्रत्येक पॉलिसी जो है वो 18 से 50 साल के लोगों के लिए है जो कि व्यक्तिगत 1 साल के टेनर के लिए है और जिस पॉलिसी की जो इंसेप्शन है वो है कि 18 से 50 की एज होनी चाहिए। कस्टमर जो है पॉलिसी लेने के बाद 3 वर्किंग डेज का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिवेट होगी, यानी कि ट्रांजेक्शन प्लस 3 डेज का यहाँ पर वेटिंग पीरियड रखा गया है। ये पॉलिसी जो है वो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पेटीएम के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको दिया गया है कि अगर आप 3 से ज़्यादा पॉलिसी धारण करेंगे तो आपको मैक्सिमम 3 पॉलिसी का ही लाभ यहाँ पे मिल सकता है। डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो है वो मिनिमम 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पे ही आपको मिलेगा। इससे कम अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होती है जो कि प्री
डिसीज के लिए होती है वो 30 दिन का वेटिंग होता है। जैसे कि पहले से जो बीमारियां हैं वो आपको 30 दिन के बाद इसमें कवर करेंगी, लेकिन कवर हो जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई टर्म्स एंड कंडीशंस की। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो प्लान चूज़ किया है 1000 रुपये का, उसका जो प्रीमियम है वो है 255 प्लस GST। इसी तरीके से अगर हम 5000 का देखें तो 3814 रुपये का आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर हम 2000 का देखें तो 509 रुपये है। तो इस तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्लान को चूज कर सकते हैं और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपअप होके डिटेल फिल हो जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ आपको मैनुअली चूज करना पड़ेगा। एड्रेस जो है आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जो है ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको ऐड करना है। और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का लाभ ले सकते हैं, जिसमें पेटीएम वॉलेट से यहाँ पे पेमेंट डिडक्ट होती है। इसे हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारे पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं हैं। प्रोसीड टू पे प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 255 रुपये प्लस GST यानी कि टोटल 300 रुपये का आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट वाले पेज पे आने के बाद आपको देखने को मिलता है हमारे पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस है वो मात्र 14 रुपये हैं, तो इससे हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो फिर आपको न्यू पेमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है, UPI से, नेट बैंकिंग से, और यहाँ की तक कि आप EMIS का भी लाभ ले सकते हैं। तो सिंपल सी पेमेंट जो है वो आप UPI से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना UPI ID एंटर करना होगा। UPI ID आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो UPI ID वेरीफाई हो जाएगी और फिर आपको पे 300 पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपने जिस ऐप का जो यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, अगर फोन पे का दिया है तो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। देखिए पेमेंट जो है हमारे फोन पे में पॉपअप हो गया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको अपने कंसर्न्ड अकाउंट से 300 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे UPI ID दर्ज करना होगा और उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस की जो कॉपी है वो आपको SMS से प्राप्त हो जाएगी और आपके मेल पे एक PDF फाइल डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद आप उस कॉपी को प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें या फिर आप उसे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप उस कॉपी के द्वारा अपने हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।